नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से कसरत करना शुरू कर दिया है और ये कसरत जातीय समीकरणों को साधने के लिए की जा रही है। ब्राह्मणों से लेकर दलितों तक और पिछड़ों से लेकर अति पिछड़ों तक को रिझाने के लिए राजनीतिक दल खुद को उनका खैनख्वार दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों को उन जातियों की याद आती है जो समाज में पिछड़े पायदान पर पड़ी हैं। लेकिन दलों को यह बात मालूम है कि विकास के मुद्दे से ज्यादा जातीय राजनीति की पतवार ऐसी है जो 2022 में नया पार लगा सकती है। तो इस रिपोर्ट पर पहले नजर डालें, उसके बाद बड़ी चर्चा को आगाज देखेंगे। क्या जातीय समीकरण से ही यूपी में नैया पार लगेगी और इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी नैया सबसे आगे दौड़ रही है? उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर बड़े राजनीतिक दलों के साथ छोटे और प्रदेश के बाहरी राजनीतिक दल भी ताल ठोकने को तैयार हैं। सभी दल विकास के मुद्दों की जगह जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते पहले ब्राह्मण वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक पर सभी की निगाह है, वहीं अब अति पिछड़े वोट बैंक में राजनीतिक दल से दुमारी की तैयारी में हैं। यूपी में निषाद वोट बैंक लगभग 120 सीटों पर प्रभाव डालता है। इसी के चलते चाहे निषाद पार्टी हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी, सभी निषादों के मसीहा बने घूम रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी पट्टी में और खास तौर पर यूपी बिहार में अति पिछड़ा जाति की सूची में आने वाले निषाद समुदाय का बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्व है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1994 में निषाद जाति से आने वाली बैंटेड क्वीन फूलन देवी को देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी में लेने का जोखिम नहीं उठाते। ये जानते हुए भी कि बहमई कांड की वजह से क्षत्रियों के बीच फूलन देवी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। यूपी में अपनी सरकार बनाने के बाद साल 1994 में मुलायम सिंह यादव ने न केवल फूलन देवी के खिलाफ दर्ज सभी 55 मुकदमों को वापस ले लिया था, बल्कि 1996 के लोकसभा के चुनाव में मिर्जापुर से टिकट भी दिया और फूलन देवी सांसद बनी। आज फूलन देवी तो जिंदा नहीं है, लेकिन 20 साल बाद जब फिर से कुछ राजनीतिक दलों को उनकी याद आ गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने के लिए चाहे निषाद पार्टी हो या फिर वीआईपी, सभी फूलन देवी के सहारे कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि बड़े राजनीतिक दलों ने ही छोटे दलों को यह रास्ता भी दिखाया है। हाल ही में सपा और बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, वहीं बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सहारा लेकर दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। वहीं अब जब छोटे दल चाहे सुभाषपा हो या फिर निषाद पार्टी या फिर वीआईपी पार्टी, सभी अपनी अपनी जातियों के खेवनहार बने हैं, लेकिन ये जाति प्रेम उनको सत्ता तक पहुंचा पाएगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन उससे पहले जातीय राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। जहां एक ओर बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वहीं अब सपा ने
पिछड़ा वर्ग के लिए सम्मेलन का आयोजन करने की ठान ली है। तो खुले तौर पर खुले मंच पर आकर तमाम पार्टियां जातीय समीकरण साधने की कोशिश करने लग गई हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो उनके अंदर इस वक्त रिपोर्ट कार्ड को लेकर मंथन चल रहा है कि किसने अच्छा काम किया है, जिसको लेकर बड़े नेता लखनऊ में आगमन करते हैं और आकर यहाँ पर विधायकों से बातचीत कर उनके विश्वास को टटोलने का प्रयास किया जाता है। तो लगातार जेपी नड्डा दौरे पर थे, उसके बाद चुनाव को लेकर नई तैयारियां शुरू होंगी, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का आगमन शुरू होगा, जिसको लेकर खुले तौर पर भाजपा कमर कस चुकी है और वो कोई भी रियायत नहीं करना चाहती है। इसलिए जेपी नड्डा ने ये हिदायत भी दी है कि विश्वास पाने की कोशिश करें। वहीं छोटे दलों का भी बोलबाला है जमकर। छोटे दल भी अपने आप को इस बार के चुनाव में काफी अहम मान रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जिनके साथ भी जुड़ेंगे उनकी नैया को पार लगाने में पुरजोर मदद करेंगे और उन्हीं से उनकी नैया पार लगेगी। इसके लिए लगातार निषाद पार्टी और तमाम नई पार्टियां उत्तर प्रदेश में दस्तक देने लग गई हैं। तो ब्राह्मणों सम्मेलन के बाद पिछड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भाजपा तमाम वर्गों को लेकर इस वक्त ग्राउंड पर उतरकर विधायकों को हिदायत दी गई है कि विश्वास लोगों के अंदर जगाएं और उनसे जाके कार्यों के बारे में बताएं, बखान किया जाए। तो जेपी नड्डा ने खुले तौर पर जिला अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ कार्यक्रम किया था, जिसपे उन्होंने ये हिदायत दी। तो राजभर वोट के सहारे सत्ता हासिल करने के पीछे भी अब मंथन हो रहा है। सभा ने सेंध लगानी भी शुरू कर दी है दूसरे पार्टियों में। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मंथन किया जा रहा है, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जा रहा है। वहीं बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए उन्होंने रहा एक सोच रखी है कि हो सकता है ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ही इस बार नैया पार लग जाए। तो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। हालांकि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी इससे पहले भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर चुकी है और एक बार फिर से 11, 12, 13, 14 और 15 को ये सम्मेलन अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से इसकी अध्यक्षता राज्यपाल कश्यप ही करेंगे। बड़ा चेहरा है वो पिछड़ा वर्ग का और उसके बाद अब उनको कमान भी सौंप दी गई है कि कहीं ना कहीं इस बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसको लेकर तमाम तरह की जो नई नई चर्चाएं हैं, नई नई रणनीतियां तैयार हो रही हैं, नई नई तरीके पैतरे अपनाए जा रहे हैं, जिससे 2022 में वोट बैंक कहीं खिसके ना, उसको लेकर पूरी कवायद की जा रही है। वहीं बसपा ने पूर्वांचल से भी ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज माफ कीजिएगा अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया था, जिसकी अगुवाई सतीश चंद्र कर रहे हैं और वो लगातार भाजपा पर निशाना भी साधते आ रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मण नाराज हैं भाजपा से। उन्होंने तमाम तरह के उदाहरण भी पेश करे जनता के सामने और उन्होंने बताया कि ब्राह्मण नाराज क्यों है भाजपा से। वहीं फूलन देवी की याद भी अब तमाम बड़ी पार्टियों से लेकर छोटी पार्टियों तक को आ गई है, क्योंकि निषाद वोट बैंक भी एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश का है, जिसको लेकर फूलन देवी की याद तमाम दलों को आने लग गई है। तो बड़े नेताओं का चेहरा और साथ ही साथ बड़े सम्मेलन के जरिए इस बार 2022 में नैया पार लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रों में इसको किया जा रहा है कार्य और तमाम क्षेत्रों को बांट दिया गया है कि कौन से दिन किस में सम्मेलन किया जाएगा। वहीं राजभर की भी सीटों पर लेकर भी मंथन चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार उनके बयान बदल रहे हैं, उनकी मुलाकातें भी कई बार भाजपा के नेताओं से हुई हैं, जिसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है कि वो अब किसके साथ जाते हैं और किसके साथ अपना सहयोग देते हैं। तो इसको लेकर भी अभी कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हैं। वहीं सपा ने महान दल के साथ गठबंधन किया, जिसमें कई छोटे छोटे दलों को उन्होंने शामिल किया है। वहीं अपनी नया सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया है, जिससे उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि काम होगा, यानी कि खुले तौर पर भाजपा को चुनौती भी दी उन्होंने कि काम होगा, अभी तक हुआ नहीं है, होगा।
तो इसको लेकर 2022 में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो विकास के मुद्दे से जातीय राजनीति की पतवार कैसे घूम गई है और साथ ही साथ इस बार के चुनाव में किसकी नैया किससे आगे दौड़ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है साथ ही साथ दिलीप यशवर्धन जी, माफ कीजिएगा, और सपा नेता हमारे साथ विवेक पांडे जी, और बीजेपी से केसी जैन जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा विवेक जी आपसे है, जिस तरह से लगातार ब्राह्मण सम्मेलन, उसके बाद आप एक बार पहले भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर चुके हैं और आप एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने की जरूरत पड़ गई है, क्यों? देखिए पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए मैं सबसे पहले तो विशेष धन्यवाद देता हूं दिलीप भैया को कि मेरे अस्वस्थ रहने के समय पे उन्होंने विशेष रूप से मेरा हालचाल लिया था। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन देखिए ये कोई योजना परियोजना का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि 2022 में सारी राजनीतिक दल जो हैं वो फिर से चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ज़रूरी है। पहले चरण में हमने पूर्वांचल के 10 जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन संपन्न किया है और अब राज्यपाल कश्यप जी के नेतृत्व में 11 को झांसी, 12 महोबा, 13 को हमीरपुर, 14 को कानपुर ग्रामीण और 15 को फतेहपुर होते हुए हमारा ये जो एक उद्देश्य है सभी के बीच समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों और मौजूदा सरकार के किए गए उत्पीड़न को, लोगों की आवश्यकताओं को और लोगों की पीड़ा को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को एक मंच दिया जाए जहां पर आकर के वो अपने साथ अच्छी बुरी जो भी उनको लगता है कि सरकार से उम्मीदें हैं उन बातों को वो सामने रख सके। और मैं तो कह रहा हूं ना कि हम विपक्ष की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास देखिए बात करने के लिए और काम करने के लिए विपक्ष ने इतना कुछ छोड़ दिया है कि मुझे लगता है कि अभी वो, क्योंकि देखिए हमने तो काम किया, हमारा तो नारा ही था काम बोलता है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, ये बात तो सत्य है कि सबका साथ लेकर के इन्होंने सरकार बनाई और विकास को इन्होंने मार दिया। मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई भी प्रतिनिधिमंडल हो, सांसद हो, विधायक हो, या जब इनके केंद्र से नेतृत्व के लोग आते हैं तो यूपी के विकास पे कोई बात होती है जो कि विकास दिखाई दे जमीनी स्तर पे। मुझे ऐसी कोई परियोजना या इनकी योजना अभी तक ना दिखाई दी। इन्होंने आदर्श रूप से धर्म को आधार बनाया था, गौ को आधार बनाया था। आप गायों की हालत स्थिति देख सकती हैं, बांदा से बदायूं तक जिस तरीके से गौवंशों की स्थिति आई या जिस तरीके से पैसे पानी की तरह बहाए गए और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, कुत्ते नोच रहे थे हमारी गौ माता को। जी दिक्कत यहाँ पर ये नहीं आती है कि कौन सा सम्मेलन करने जा रहे हैं, लेकिन जो नाम रखा जाता है वो एक विशेष जाति को ही प्रभावित करने के लिए रखा जाता है, तो विकास कार्यों को लेके जाना है तो विकास को लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल रहा है, लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, ये नाम क्यों बांट दिए जाते हैं? हम तो परंपरा जो भाजपा ने शुरू की उसी को अपना रहे हैं और मुझे लगता है कि इंजन के, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने ये परंपरा शुरू करी तो मैं वो आपका सही ध्यान है? मैं आपका ध्यान आकर्षित कर देता हूं। नहीं तो वो सही है आपके नहीं, क्योंकि हम जब आलोचना करेंगे, हम जब सवाल उठाएंगे तो हम देशद्रोही कहे जाएंगे, हम आंदोलनजीवी कहे जाएंगे, हम किसान जीवी कहे जाएंगे, है ना, हम समाजवादी जीवी कहे जाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ये परंपरा तो शायद मुझे लगता है कि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य जब उन्होंने मंच पे बड़े शालीनता से कहा था चुनाव के पहले मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, तो हम आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, भाजपा तो खुश हो कि भाई हम तो उसी की शुरू हुई परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप डंके की चोट पे जब हमारे देश का प्रमुख नेतृत्व प्रधानमंत्री जी मंच से बता सकते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और उसके आधार पे वो वोट मांग सकते हैं, तो ये तो हम परंपरा जो उन्होंने शुरू की उसका निर्वाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। परंपरा उन्होंने शुरू की लेकिन आप उसी राह पर क्यों चल पड़े हैं? यानी आपको कहीं कहीं लग रहा है नहीं कि नहीं, मैं आपको बता, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, और उसी रणनीति पर चल के ही नहीं आप पार लगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब जो जड़ इन्होंने बोया है ये उसका फल खाने के लिए भी तैयार रहे। इन्होंने बुलडोजर चलवाए हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे, हमारे उन कार्यकर्ताओं के गांव में बुलडोजर चलवाएं जो सालों साल पहले की पैतृक जमीनें थी, पैतृक सड़कें बनी हुई थी उन पे बुलडोजर चले चुनाव के समय। इन्होंने द्वेषपूर्ण भाव से हमारे वो कार्यकर्ता जो शिक्षा दे रहे थे, जो शैक्षणिक संस्थान थे, मैं आजम खान जी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं ये स्टेटमेंट दूंगा उनका नाम आ जाएगा। उसके अलावा जो इन्होंने हमारे स्कूलों पर बुलडोजर चलवाए, हमारे कमजोर जो हमारे ईमानदार पदाधिकारी थे उनके घरों पे बुलडोजर चलवाएं, तो आप तैयार रहिए, हम इस परंपरा को ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इनकी परंपरा, इन्होंने जो ये
द्वेष भावना पैदा की है। हम एलडीए के बेसमेंट में जो फाइलें पड़ी है ना, जो एलडीए के बेसमेंट की, मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, एलडीए के बेसमेंट में जो फाइलें धूल फांक रही हैं, हम उन पे कार्रवाई करके आपको दिखाएंगे। हम द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे कीर्ति, हम विधिक रूप से कार्रवाई करके दिखाएंगे। कार्रवाई विधिक रूप से, लीगल कार्रवाई। कार्रवाई इस समय तो सम्मेलन के नाम पर चर्चा हो रही थी विवेक जी, की सम्मेलन का नाम क्यों रखे जा रहे हैं जब आपको विकास कार्यों को लेकर जाना, अगर आपका विकास इतना हो रहा होता तो शायद तक भाजपा को, अब देखिए नाम रखने की बात, भाजपा को चुनने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, नाम रखने की बात अगर आप कहेंगी तो मुझे लगता है कि ये नाम बदलना, नाम रखना, ये तो योगी जी की शुरू की हुई परंपरा है। ये तो आते ही इन्होंने कुछ किया ना किया, और नाम ही बदला है, नाम ही रखा है केवल लोगों का। तो मुझे लगता है कि ये तो शिष्टाचार की बात है। भाजपा वाले तो, उनको तो खुश होना चाहिए कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग आज भाजपा की शुरू की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता, मैं आप पर आऊंगी दोबारा, लेकिन आपको नहीं लगता सत्ता से बाहर होने के पीछे का कारण क्या था उसको आकलन करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं आती हूँ दिलीप जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जातीय राजनीति एक और कदम आगे बढ़ चुकी है, एक और पैदाम के आगे बढ़ चुकी है, और लगातार देख रहे हैं कि सम्मेलन पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो इस समय रिपोर्ट कार्ड टेस्ट करने के ऊपर पड़े हुए हैं कि रिपोर्ट कार्ड जांच लिया जाए और विश्वास पैदा कर दिया जाए जनता के बीच। तो इस समय किसकी नैया सबसे आगे दौड़ रही है? कीर्ति जी, मेरी बात हो सकता है बहुत लोग से समर्थ सहमत ना हो, लेकिन मेरा अपना तथ्य है कि आज जो जातिगत सम्मेलन हो रहे हैं, वो चाहे वो भाजपा कर रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक पार्टी कर रही हो, ये राजनीतिक पार्टियों का दोष नहीं है, ये जनता का दोष है कि क्यों वो इन जातिगत सम्मेलनों में सहभागिता देती है। ये उस जाति के लोग चाहते हैं कि हमारी जाति के नाम पे सम्मेलन हो, और जो राजनीतिक पार्टी जिस जाति के नाम पर जितना ज्यादा सम्मेलन कर देती है, वो जाति उसी पार्टी से उतनी ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो ये राजनीतिक पार्टियों का दोष कहाँ हुआ, चाहे वो भाजपा करे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, ये तो जो जनता चाह रही है वही राजनीतिक पार्टियां कर रही, यही सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। इसमें राजनीतिक पार्टियों का दोष नहीं है, उन्हें तो राजनीति की दुकान चलानी है, उन्हें अपना सामान बेचना है। ये ग्राहक को देखना पड़ेगा कि जो सामान खरीदने जा रहा है वो उसके लिए टाइमिंग फायदेमंद है या लॉन्ग रन में फायदेमंद है। उसके लिए फायदेमंद तो है, लेकिन क्या समाज और देश के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? लेकिन दिलीप जी, जिस जनता की आप बात करें, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, उन्हें तो जातियों में और उनके आरक्षणों में ऐसा फंसा दिया जाता है ना कि उन्हें वही सही लगने लग जाता है कि शायद हमारी इसी से कुछ भला हो जाए, कि अगर हम जाति के आधार पर अलग हो जाते हैं तो हमें आरक्षण मिल जाएगा, हमें यहाँ फायदा हो जाएगा, या हमारे लिए कुछ कर दिया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कीर्ति जी, वो जैन साहब इस बात को व्यक्तिगत नहीं लेंगे, ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जैन समाज को लेके ही बात है। अभी हमारे देश में माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कई जातियों को माइनॉरिटी में बांटा गया है, लेकिन आप आश्चर्य की बात जानेंगे, माइनॉरिटी किसको कहा जाएगा ये लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है। आपने माइनॉरिटी कमीशन का गठन एक लॉ के अंतर्गत कर दिया, लेकिन आपने संविधान में माइनॉरिटी की बात करी, लेकिन माइनॉरिटी किसको कहा जाएगा ये किसी लॉ में आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। ये सरकार की एब्सोल्यूट पावर है कि वो जिसको चाहे माइनॉरिटी कर दे। पिछले इलेक्शन से पहले जैनीज को माइनॉरिटी में इंक्लूड किया गया था, क्यों? सिर्फ इलेक्शन के पर्पज से, वोट बैंक के पर्पज से। तो ये बात जैनीज को समझने की जरूरत है कि हमको जो माइनॉरिटी में लाया गया, हमको क्यों लाया गया, हमसे वोट लेने के लिए लाया गया था, हमारा फायदा थोड़ी ना, हमको स्कीमों के नाम पर कुछ आपने बेनिफिट दे दिए। और जो जनता, आप जनता की बात कर रहे हैं कि उन जनता को बेनिफिट लगने लगता है, मैं अभी आपकी बात बताऊं, अभी ब्राह्मण सम्मेलन की आप बात कर रही थी, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन होते रहेंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए सपा उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है, बसपा अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। ये हो गए राजनीतिक बातें, और ये प्योर राजनीतिक बातें। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि मेडिकल एजुकेशन में 27% ओबीसी का आरक्षण कर दिया गया और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कर दिया गया। ठीक, ब्राह्मण तो नहीं आते हैं, ब्राह्मणों को तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना है, लेकिन किसी ब्राह्मण ने इस पे सम्मेलन नहीं किया, किसी ब्राह्मण ने इस बात पे आवाज नहीं उठाई। तो आप समझ लीजिए कि ये सारी की सारी बातें राजनीतिक और चंद लोगों के व्यक्तिगत फायदों के लिए है। चाहे किसी समाज का सम्मेलन कर लीजिए, उस पूरे समाज को ना आज तक फायदा हुआ है और ना कभी होगा। दिलीप जी, उस समाज के चंद लोगों को, जो चंद लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ उनको फायदा होता है, और वो अपनी जाति के साथ धोखा करते हैं। किसी ब्राह्मण को अगर ऑब्जेक्शन था
अगर किसी राजनीतिक पार्टी से ऑब्जेक्शन था तो किसी ब्राह्मण ने इस आरक्षण के ऊपर आवाज नहीं उठाई, किसी ब्राह्मण ने सम्मेलन तो नहीं किया कि क्यों रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है। आवाज उन लोग की बुलंद होती है जिन्हें कुछ ना कुछ उससे चाह होती है, लेकिन यहाँ तो लोग अब दो वक्त की रोटी ही कमाने के लिए अपनी जद्दोजहद में जूझे हुए हैं कि वो इन और ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। कीर्ति, एजुकेशन का स्तर इसीलिए इस देश में कम रखा गया है, जानबूझ के रखा गया है। ये राजनीतिक पार्टियों की एक सोची समझी रणनीति है कि अगर इस देश का आदमी पढ़ लिख जाएगा और हमारी कानूनी कमियों को समझ जाएगा, और कानून में एक नहीं 3600 कमियां हैं, अनगिनत कमियां हैं, जितने कानून है उतनी कमियां हैं, लेकिन ये कमियां समझेगा कौन? बनाने वाली सरकार, चलाने वाली सरकार, फायदा उठाने वाली सरकार? ना जनता को पता है, ना जनता जानती है, ना जनता आवाज उठा सकती है, इसलिए उसको जातियों में भ्रमित किया जाता है, इसीलिए शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जाता है, इसीलिए स्कूलों में सुविधाएं दी जाती हैं, खाने की सुविधा, जूते की सुविधा, ड्रेस की सुविधा, शिक्षा नहीं मिलेगी। सुविधा ले लो, शिक्षा मत मांगो, क्योंकि शिक्षित हो जाओगे तो हमारे सर पे बैठ जाओगे। यही आ जाती है कि बात होती है विकास के मुद्दे हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वहां पर अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन जुड़ जाता है ना, तो ये विकास के मुद्दे कहाँ दफन हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता कि वाकई अरे विकास कर तो दिया कीर्ति जी, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया, ओबीसी का विकास हो गया, सारे सारे गरीबों को 2000 रुपए महीना खाते मिल जा रहा है, सबको फ्री राशन बट रहा है, उधार हो तो रहा है, देश का नहीं हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों का हो रहा है और उन चंद लोगों का हो रहा है, खुश है, इसी को विकास कहा जाएगा ना? बेशक, ये तो जनता को ही डिसाइड करना है। और आपने दिलीप जी बिल्कुल सही बोला है कि आपका जनाधिकार है, तो जनाधिकार को ये राजनीतिक पार्टियां, कीर्ति, ये राजनीतिक पार्टियां गरीबों को गरीब बनाए रखती हैं, जानबूझ के बनाए रखती हैं, क्योंकि वो गरीब नहीं रहेंगे, वो स्वावलंबी हो जाएंगे तो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। शायद तक आपने ऐसी बातें बोल दी है जो सत्य है और कड़वी भी है, क्योंकि ये सत्य है। केसी जैन पर जाना चाहूंगी। केसी जैन जी, जो बातें बोली गई हैं कि आरक्षण दे दिया गया है तो बड़ा लाभ दे दिया गया, हालांकि सारी पार्टियां, विवेक जी से भी सवाल होगा इसी पे, क्योंकि सारी पार्टियां ये इस पर अपना हक जमाने की कोशिश करी थी कि आरक्षण के लिए तो हमने अपील की थी, लाभ भाजपा ने दिया, लेकिन इस आरक्षण से फायदा किसे हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, इस ओर किसी ने बात नहीं की, इस और क्यों नहीं बात की गई? साथ ही साथ जिस तरह से जेपी नड्डा आए और वो रिपोर्ट कार्ड पर उनकी लगातार इसको लेकर मंथन चल रहा था विधायकों का, तो क्या जरूरत पड़ रही है रिपोर्ट कार्ड चेक करने की? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2022 के चुनाव में जहां बाकी विपक्ष और राजनीतिक पार्टियां जाति सम्मेलन, वर्ग सम्मेलन कर रही हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी अपना, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के चलने, और हमने पिछले 4.5 सालों में चाहे बिजली की व्यवस्था हो, खाद्यान्न वितरण हो, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना हो, एयरपोर्टों का निर्माण हो, कोरोना काल में लोगों की चिकित्सा व्यवस्था हो, प्रदेश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन हो, किसानों की कर्ज माफी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, इस तरीके के जो हमारे काम हैं, इनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया। अगर आपने काम किया, बाकी तो जो पार्टियां हैं, क्यों जाना है केसी जैन जी? सवाल तो यही है जी, काम किया है तो उसे जनता के बीच में क्यों लेके जाना है? जनता तो देख ही रही है क्या काम किया आपने। देखिए, जहां पर और सारे राजनीतिक दल, ठीक है, पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इसके पिछले 5 सालों में बीएसपी की भी सरकार रही, तो जनता ने सबका कार्यकाल देखा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को इन 5 सालों के लिए चुना, लेकिन इन पांच सालों में ना तो कहीं पे कोई घोटाला हुआ, ना तो कोई उत्तर प्रदेश में दंगा होने पाया, ना तो कहीं पे कोई विकास में बाधक बन पाया। जो लोग विकास में बाधक थे, वो चाहे अधिकारी थे, चाहे नेता थे या विपक्ष के लोग थे, तो जिन लोगों ने विकास में बाधा उपलब्ध की, जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में बड़ा ठेका चाहते थे उसको भी निरस्त किया गया, कहीं पे भी गड़बड़ घोटाला नहीं होने दिया गया, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, इसको विकास में लगना चाहिए। जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल जाति लाभ दिखा करके कि हम ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं। अभी दिलीप जी ने बताया ना, आपने जैनिस को अल्पसंख्यक में लाके क्या किया था, क्या जरूरत थी उन्हें अल्पसंख्यक में लाने की? फिर देखिए, भारत का जो संविधान है,
वो जो अल्पसंख्यक हैं और जिनको अपने विकास के लिए कहीं ना कहीं सरकार से आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन सरकार का समर्थन चाहिए। किसी जैन जी आपको नहीं पता है जैन जैनीज का कितना विकास है, वो अपने दम पर विकास कर सकते हैं, इतना मेरी बात सुनिए, उसमें नहीं आते कि आप उनको बोल दे कि वो बैकवर्ड जाती है या वो कमजोर वर्ग की है। जी मेरी बात सुन लीजिए, देखिए संरक्षण और आरक्षण दो चीजों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल है, संरक्षण में ये है, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए, आपने अच्छा प्रश्न किया है उसका जवाब आ जाए। देखिए संरक्षण वो है कि हम अपनी दुकान खोल के बैठ रहे हैं, दुकान में कोई लूट न करने पाए, ये तो संरक्षण है, लेकिन दुकान खोलने के लिए हमें जमीन उपलब्ध कराई जाए, हमें उसमें माल भरने के लिए सरकार पैसा दे, उसके बाद में हम दुकान खोल करके बैठे, ये आरक्षण की व्यवस्था है। तो जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों में सरकार का संरक्षण है, आरक्षण नहीं है। और समाज को लेकर के उस दुकान को संरक्षण की जरूरत है, प्रश्न खड़ा किया केसी जैन जी, मैं आपके ही लहजे में आपको ये बता देना चाहती हूँ, क्या उस दुकान को संरक्षण की जरूरत थी, ये भी तो तय करना, ये भी तो जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि चारों तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं, और वो भी लुटेरों में से वो भी है जिनको आरक्षण मिल रहा है, जिनको आरक्षण मिल रहा है वो संरक्षित लोगों जिनका संरक्षण चाहिए उनको लूटने के लिए बैठे हुए, इसलिए संरक्षण की आवश्यकता है। चेक करने की इस समय जरूरत पड़ रही है, जब काम किया है तो क्यों विपक्ष तो लगातार ये कह रही है जब काम किया है तो रिपोर्ट कार्ड है। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, माननीय नड्डा जी लगातार उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में आए और कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के प्रदेश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 325 प्लस उनकी रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल मांगा जा रहा है, और हमें तो लगता है कि कोई भी पार्टी हो हर एक पार्टी को यह चाहिए कि अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड समय समय पर लेते रहे, जिससे कि उनके अंदर भी एक अनुशासन बना रहे, समय समय पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो या केंद्र का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, लगातार विधायकों की रिपोर्टिंग भी लेता रहा, और साथ ही साथ जो वर्तमान में अब चूंकि चुनाव की स्थिति है तो विधायकों ने वास्तव में किसकी छवि कैसी है, किसने क्या काम किया है, जो बजट जारी हुआ बजट का कितना प्रतिशत किसने खर्च किया है। देखिए रिपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये भी है कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या पैरवी की सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से जनता को लाभ दिलाने के लिए। देखिए जो 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 विधायकों का बजट है, विधायक निधि जो है वो तो है ही, लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र का विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग से कोई प्रपोजल कोई कार्य नीति बना करके भेजता, वो भी पास की जाती है, क्या आप उन्हें हटा के नए चेहरों को लाएंगे? देखिए अगर अगर उनकी छवि जनता के बीच में ठीक नहीं है और उन्होंने काम नहीं किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए मुख्य रूप से उनके कार्यों के आधार पर और जनता के लिए और देश जनता के लिए साथ ही साथ क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके और कई सारे और बिंदु है जिसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड बन रहा है, उसके आधार पर ही उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उसके आधार पर फिर योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा उसको लेकर आपका क्या कहना है, साथ ही साथ जो आरक्षण आया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जातीय चुनाव माफ कीजिएगा जातीय वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए मैंने उसको लाया, मैंने बिल पास कराया, मैं शुरू हो गई थी, क्या आपको सही लगता है कि जो आरक्षण आया था? जैन जी एक बात का जवाब दे दें, दिलीप भी अभी बैठे हैं और बहुत सही मुद्दा आपने उठा दिया यहाँ आरक्षण वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये कहता है कि 5,000 से अधिक सीटों पे भ्रष्टाचार हुआ है और वो बच्चे आज भी इको गार्डन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
और इनके मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य यह आता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कुछ और कहती है। तो मुझे तो यह बताइए पहले कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संस्था, अब आप उसमें आपके लोग बैठे हैं, उसको आप मैनिपुलेट करिए, चाहे उसमें आप जवाब लगाइए, क्योंकि जवाब भी योगी सरकार ने अभी तक नहीं दाखिल किया था जहां तक लास्ट मेरी नॉलेज थी। अब उसके बाद जवाब दाखिल भी हुआ हो तो मेरा यह कहना है, एक आयोग के विधिक जांच के बाद जब इतनी बड़ी बात सामने आती है तो चुनाव को केवल मैनिपुलेट करने के लिए या दिल्ली और लखनऊ की फाड़ के बीच में क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गलत रिपोर्ट प्रेषित कर रहा था? तो शिक्षक भर्ती पे चले गए? नहीं, मैं शिक्षक भर्ती पे नहीं जा रहा हूँ, मेडिकल आरक्षण, मैं मेडिकल आरक्षण पे भी आ जाइए, उसमें भी 27% सुन लीजिए, MBBS कोटे में जो इनको आरक्षण देना चाहिए था 27% का, जो आरक्षण का विधिक नियमावली थी उसमें इन्होंने आरक्षण नहीं दिया था। ठीक है, मैं आपको इसका प्रमाण भी दे सकता हूं और मैं बिना प्रमाण के यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो मामला होता है ये बड़ा संवेदनशील मामला होता है, ये केवल कहने के लिए तो होता नहीं, नहीं तो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कुछ कर रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं, नहीं, आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पे क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या लग रहा है जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है, क्या आपको कम लग रहा है कि अभी भी और देना? नहीं, मेरा ये कहना है कि जब इनके आरक्षण में भी भ्रष्टाचार बाहर आते हैं तो ये उसको सीधे सीधे नकार देते हैं, और अगर नकारते हैं तो संस्थाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती जिम्मेदारों पे जिन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की? आपको ये फैसला सही लगता है आरक्षण देना कि जातीय मुझे ये पता है, हाँ, है इसलिए आरक्षण हाँ, की सूची में शामिल कर दिया ले, लेकिन उन एलिजिबल बच्चों मुझे ये पता है कीर्ति, जो अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ते हैं उनकी सीटें मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि आरक्षण के प्रावधान संविधान में कुछ और थे, राजनीतिक दलों ने उसको अपने अनुसार बनाया। और आरक्षण की बात करते हैं तो ये एक पत्र मैं आपके सामने दिखा दूं, पत्र संख्या 2/116/2018, ठीक 2/9/2018 की, 2/9/18 का ये पत्र है, राष्ट्रीय पिछड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये पत्र मैं आपको दे दूंगा। मनोज सरोज एक आरक्षी है, जिम्मेदार आरक्षी, मैं आपके सामने सिर्फ एक संज्ञान डाल रहा हूं कि इनकी न्यायपूर्वक न्यायप्रियता को भी देख लीजिए आप, सामाजिक न्याय की बात करते हैं ये पिछड़े वर्ग के लिए, वो एक वरिष्ठ जिम्मेदार आरक्षी जिसको कि सजातीय न होने के कारण दूसरी उच्च जाति के लोगों को, अधिकारियों को, सीओ को, दरोगा को बचाने के लिए पीड़ित किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी इस समय जब हम डिबेट कर रहे हैं ये रायबरेली से वापस लौट रहे हैं क्योंकि डीजीपी मुख्यालय ने इनको डीजीपी से मिलने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने अपने ऊपर मानसिक उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया और लगातार तब से इनके ऊपर केवल जांच बिठाई जा रही है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और सुनिए, बनारस से इनको बदायूं ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने जो प्रश्न पूछा आपने अभी तक उसका उत्तर नहीं, मैंने आपको उत्तर दे दिया, आरक्षण मैंने आपको उत्तर दे दिया कि अनुसूचित जाति हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, ये सरकार केवल और केवल उत्पीड़न करती है, मंचों से घोषणा है और पीछे है, उत्पीड़न है। लेकिन विवेक जी ये तो हो रहा था ना, लगातार होड़ मची हुई थी सपा और कांग्रेस में कि हमने दबाव बनाया इसके चलते ये आरक्षण लागू किया गया है भाजपा की तरफ से, तो उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी ना, लेकिन ये क्रेडिट के चलते और ये जातीय राजनीति के चलते जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़कर आते हैं उनकी कहां तक, उनके साथ कितना हद तक न्याय होता है, इसका जवाब बताएं ना केसी जैन जी, चले मेरे साथ, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं ब्राह्मण छोड़ दीजिए, नहीं नहीं नहीं, मैं यहां बैठा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं खुद इको गार्डन जा करके उन बच्चों से मिलता हूं, दूसरे चैनलों पे लगातार 3 हफ्ते मैंने केवल बेरोजगारी पे डिबेट की है, ये जो 4.25 लाख के आंकड़े दिखाते हैं पौने 2 लाख आंकड़े नहीं है उसके अंदर। अब वो तो कहते हैं ना योगी सरकार तो साफ तौर पर कह रही है कि अब जांच करवा लीजिए, किसी में भी कोई खामी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, मुझे मैं 2-3 भर्तियों के बारे में पूछ लेता हूँ, बता दें मुझे 2486 दरोगा क्या ज्वाइनिंग कर चुके हैं क्या, बता दे कैसी जाएंगी, मैं अभी बच्चे को लाइन पे, मैं प्रशिक्षु दरोगा को लाइन पे लेने के लिए तैयार हूँ। वो तो उनकी सरकार आने पर वो जांच बैठा लेंगे। नहीं नहीं, अरे 2486 दरोगा तो इन्होंने आपको पता ही नहीं, तब 2020 में स्मृति दिवस पे घोषणा कर चुके हैं मंच से योगी जी कि हमने ज्वाइनिंग दे दी है और वो बच्चे आज भी घर बैठे हुए हैं। और मैं आपको ऐसे 10 एग्जांपल देता हूं भर्तियों के, ये अगर बात करना चाहे मैं बच्चों को लाइन पे जोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये देंगे जवाब। आज भी आपकी भी सत्ता में ऐसे ही बहुत सी नौकरियां हैं विवेक जी जो अभी भी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं 2 मिनट आपकी बात मान लेता हूँ। 12,460 शिक्षक भर्ती जो समाजवादी पार्टी ने की थी, इन्होंने उसकी जांच की, उसमें कोई भी सुनिए, कोई भी समस्या ना पाई गई, उन बच्चों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया आज तक, उसमें तो कोई भी किसी भी तरह की वो नहीं पाई गई, गलती नहीं पाई, खामियां नहीं पाई गई, बिल्कुल पूछिए कैसी जैन जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि नहीं ये सही है, क्या आपके अकॉर्डिंग ये आरक्षण लाया गया है वो सही था? मैं तो कह रहा हूँ कीर्ति, चलिए इको गार्डन चलते हैं, दिलीप भैया भी चले मेरे साथ, बच्चों से सीधा बात करें ना, कौन गलत कौन सही वही पानी का पानी हो जाए। ये मंच पे बैठकर कैसी जैन जी क्या जवाब देंगे? 2486 दरोगा को ज्वाइनिंग मिल गई क्या कैसी जैन जी, बताइए ना
केसी जैन जी, क्या कहना है आपका? चौबीस सौ छियासी दरोगाओं को ज्वाइनिंग दे दी क्या? आपको जी आवाज मिल रही है? पहली बात ये है कि अभी समाजवादी पार्टी के साथी विवेक जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें 27% आरक्षण ओबीसी लोगों को नहीं मिला और वो धरने पे बैठे हैं, और आपके केंद्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी रिपोर्ट दाखिल। देखिए, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो शिकायत की गई उस शिकायत के आधार पर केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी, न कि रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। 65,000 शिक्षकों में मात्र 22,000 जनरल के लोगों को नौकरियां मिली। नहीं नहीं, गलत तो गलत गलत। 65,000 में मैं आपको आयोग की रिपोर्ट की कॉपी दे सकता हूँ। नौकरियां देना अपराध हो गया। मैं आयोग की रिपोर्ट की कॉपी दे सकता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर गलत रिपोर्ट बनी थी तो आपने अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? संविधान में परिवर्तन करा दें। नहीं नहीं, ये जुमलेबाजी मत करिए केसी जैन जी। मैंने पूछा आयोग पे कार्रवाई क्यों नहीं की फिर? आरक्षण कितने उद्योग आ गए पूछ लीजिए। और केसी जैन जी, मुझे खुशी होती थी कि अगर ये कितना छात्रों के लिए, कितना ये जो आरक्षण लाया जाता है किसके लिए होता है, ये साफ तौर पर बहुत बताते हैं। विवेक जी, मैं पूरी बात ध्यान से सुन रहा था। मैं चाहता जिससे बोल सकता था कि 22,000 केवल 22,000 लोगों की जनता में भर्ती होगी, और जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गलत लगा रहे हैं कि 5,000 लोगों को ओबीसी में नौकरियां नहीं मिली। लेकिन मैं पूरी बात सुनता रहा। आप सुन नहीं रहे थे, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आपने कहा कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। डिबेट को पहली बात तो डिरेल करते हैं। नहीं डिरेल नहीं, 2486 बच्चे, 12,460 बच्चे, 69,000 शिक्षक भर्ती, 32,000 22 बच्चे, 23,000 27 शिक्षकों के बच्चों के भविष्य के बारे में बात करिए ना। और धारा प्रवाह लगातार सबकी बारी में बोलते रहते, ये बहुत गंदी आदत है कि लगातार बोलते रहना, प्रश्न का जवाब नहीं देने देना, विकास के मुद्दे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये लोग सदन में भी यही करते हैं, हर चीज करना ये जातीय राजनीति के अंदर ही आता है। ठीक है केसी जैन जी, मेरा सीधा सवाल है, विकास के मुद्दे क्यों नहीं सामने आते हैं जब चुनाव आते हैं? तो देखिए, जो बात हो रही है, आप हमने आपसे स्पष्ट किया कि हम बिजली, पानी, सड़क, खाद्यान्न वितरण और वैक्सीनेशन, किसानों की कर्ज माफी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हम अपने कामों को विकास को ही लेके जाएंगे जनता के बीच में कीर्ति जी। लेकिन विपक्ष ओबीसी, एससी, जनरल, ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन और जो है यादव सम्मेलन, यदुवंशी सम्मेलन, ये सब करने में विपक्ष लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमने काम किए पिछले 4.5 वर्षों तक, 5 वर्ष पूर्ण होने पे 2022 में जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जनता के बीच में हम अपना पुराना मैनिफेस्टो भी लेकर के जाएंगे, नया मैनिफेस्टो भी लेकर के जाएंगे। और पुराने मैनिफेस्टो की नौकरियां, पुराने मैनिफेस्टो के वादे कितने पूरे किए उस पे बात हो जाएगी। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि अपनी बारी पे आप आराम से पूरा समय मिलता है बोलिए। आधे घंटे की डिबेट में मैं 5-7 मिनट बोला हूँ और उसमें भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखिए, जनता के बीच में वो अपने काम को लेके जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष ने काम किया पिछली सरकारों में तो वो जनता के बीच में अपना पिछला काम बताए कम से कम। इस बार उनकी सरकार नहीं है, पिछली बार भी उन्होंने प्रोपेगंडा किया, और 2017 के इलेक्शन में यही समाजवादी पार्टी खूब ब्राह्मण सम्मेलन करती रही, खूब क्षत्रिय सम्मेलन करती रही, खूब ओबीसी सम्मेलन करती रही। लेकिन क्या हुआ? वही डाक के 3-5। इनका जो अपराधीकरण था वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, जो चाहे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो सरकार में रह करके, चाहे अपराधियों को प्रेशर देने का काम रहा हो, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया उसका जवाब जनता ने 2017 के इलेक्शन में दे दिया। 2022 के इलेक्शन में, 2022 के इलेक्शन में अगर हमने काम किया है तो जनता हमें चुनेगी। अगर हमने काम नहीं किया है तो जनता नहीं चुनेगी। ठाकुर माफिया जो आपके शीर्ष संरक्षण के अंदर पल बल रहे हैं, संरक्षित हैं, उनकी लिस्ट में आपको दे दूं, किस पे कार्रवाई हुई बताइए ना जरा। अरे लिस्ट आप क्या देंगे? अभी आपने रीता बहुगुणा जी का घर जलाने वाले को पद दिया,
पार्टी में शामिल किया कि नहीं किया बताइए ना, कानपुर के एक प्रबुद्ध हिस्ट्री शिक्षक को आपने लिया अपने राजनीतिक दल में कि नहीं लिया बताइए ना। अरे केसी जैन जी, बात वो की जाती है जो तर्कपूर्ण हो, केवल कहने के लिए मत आरोप लगाइए। ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सारे एफआईआर के आपकी सरकार ने करवाई है क्या? अरे बताइए ना, एडीआर की रिपोर्ट और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट, 42% आपके विधायक दागदार हैं, 114 विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट है। सेंगर के लिए तो आपने पीड़िता को मार डाला, पूरे परिवार को, क्या बात करेंगे? चिन्मयानंद के साथ आपने क्या किया आपको पता है? साक्षी महाराज को आपने क्यों मारा? पार्टी से बाहर कर दिया। अरे साक्षी महाराज ने क्या हरकतें की आपको नहीं पता? आपने बाहर किया आजम खान को। आप बात करेंगे मुझसे? आपके मुख्यमंत्री ने कितने अपराधी थे? आपके मुख्यमंत्री पे कितने आपराधिक मामले थे? आपके उप मुख्यमंत्री पे कितने आपराधिक मामले थे बताइए ना। लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाने आई हूँ यहाँ पे, सवाल करिए उसका जवाब दीजिए। दिलीप यशवर्धन जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने दोनों दलों की बातें सुनी होंगी अच्छे से, आपको पता चल गया होगा कि किसकी नैया कहाँ जा रही है और किस ओर जाने की कोशिश ये दोनों दल जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में जो छोटे दल इस अपनी अपनी नैया लेकर आ गए हैं और साथ ही साथ अब फुलन देवी सम्मेलन करने की भी बात हो रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? एक ही दौड़ में है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम जाति की दौड़ में नहीं है। अगर जाति की दौड़ में नहीं है, भी जैन साहब कह रहे थे कि हम जाति की दौड़ में नहीं है, अगर आप जाति की दौड़ में नहीं है तो क्यों पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ, वो प्रकोष्ठ क्यों बनाए गए हैं भाई? इन प्रकोष्ठों का क्या मतलब है? आप सामाजिक प्रकोष्ठ बनाइए, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बनाइए, जातिगत प्रकोष्ठ बनाने का क्या मतलब है? जातिगत प्रकोष्ठ बनाने का सीधा सा मतलब यही है ना कि आप उस जाति विशेष के लोगों को वहां एडजस्ट करके उनके समाज को अपनी तरफ प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये जो जाति की जातिगत रेश है या जो जातिगत वर्गीकरण है, ये सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, करती रही हैं और करती आई और करती रहेंगी। और अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां ये ट्रेंड छोड़ देंगी, तो ये ट्रेंड कभी नहीं छूटेगा, राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं छोड़ेंगी। और उसका घूम के इल्जाम मैं फिर आपको देता हूं कि जनता है, राजनीतिक पार्टियों का यहां दोष नहीं है, जनता का दोष है, क्योंकि जनता उस वर्गीकरण में अपने आप को सेफ महसूस करती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। अभी नोबेल प्राइज पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन आए हैं, उसमें दो मुसलमानों का नाम है, और वो ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, जिनका कोई सोशल स्टेचर नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए किया है। उस समाज के लिए करने वाले व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी ने ही नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये जितनी भी आवाजें आप सुनते हैं ये प्रोपेगंडा है, ये प्रोपेगंडा है सिर्फ पोलराइजेशन के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। ये हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व पोलराइजेशन होगा और मुसलमान दूसरी तरफ चला जाएगा। बाकी पार्टियां सोचती हैं कि अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो उसको हम अपनी तरफ मिला लें। कोई अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहता है, कोई अपने आप को राजभर का रहनुमा करता है, कहता है कोई अपने आप को एससी एसटी ओबीसी का रहनुमा कहता है, कोई किसी का रहनुमा नहीं है। और हर व्यक्ति जो अपने आप को किसी जाति का रहनुमा बताता है, वो इस समाज का दुश्मन है, इस देश का दुश्मन है और इस संविधान का दुश्मन है। और इस संविधान के दुश्मन को संरक्षण देने का काम ये सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, क्योंकि ये पार्टियां भी वही काम करती हैं। बदकिस्मती से इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इस संविधान के सामाजिक सिद्धांतों को बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन यही इस जिम्मेदारी से मुखर हो जाते हैं और दूसरी चीजों को, अन्य चीजों को आगे कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कोई संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी आ चुके हैं जहां पर ये कहा गया है कि कोई राजनीतिक पार्टी है जाति की बात नहीं करेगा। सेकुलरिज्म को मेंटेन करना बेसिक डॉक्ट्रिन और बेसिक प्रिंसिपल, जो बहुत बड़ा डिसीजन दिया गया था केशवानंद भारती के केस में, उसमें ये कहा गया था कि सेकुलरिज्म इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी हर रोज इस फीचर को डिस्टर्ब करती है। लेकिन दिलीप जी, अब जो सपा का गठबंधन हुआ था कल के साथ, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कहां तक ताकत नहीं है? देखिए, जितने भी गठबंधन है वो समाज हित के लिए नहीं है, मैं फिर कहता हूं आपसे, सब हित अपने स्वयं हित के लिए है।
अगर कोई पार्टी छोटी पार्टी, देखिए एक तो छोटी पार्टी का कहीं कोई आधार नहीं होता है, और उस छोटी पार्टी का जो मुखिया होगा, आप ध्यान दीजिएगा, उस छोटी पार्टी का जो मुखिया होगा वो पहले किसी ना किसी बड़ी पार्टी में रहा होगा, वहां उसके व्यक्तिगत हित सिद्ध नहीं हुए होंगे, तो वो अपने समाज को अपनी जाति को लेकर के एक नई पार्टी बना करके मैदान में कूद जाता है, कुछ वोट बैंक को अफेक्ट करता है, बड़ी पार्टी को लगता है कि इस क्षेत्र में इतना ही सीट पर इसका प्रभाव है, इसको हम अपने साथ मिला लेते हैं। छोटी पार्टी भी जानती है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, बड़ी पार्टी ये जानती है कि इसको मिला लेने से मेरी 3 सीटें सिक्योर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तो व्यक्तिगत तौर पर हो रहा है, ये साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरी चीज ये आ जाती है कि उनकी व्यक्तिगत तौर पर अगर ये गठबंधन करे जा रहे हैं तो इससे उनको लाभ मिलेगा क्या? छोटी पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, एक किसी को मंत्री बनाने का प्रलोभन दे दिया जाएगा, या किसी को किसी आयोग का चेयरमैन बनाने का प्रलोभन दे दिया जाएगा, या कुछ लोगों को एमएलसी और इस तरह के पद देने की बात कर दी जाएगी, 2-3 लोगों को फायदा होगा। मैंने कहा ना कि कोई किसी जाति का मुखिया बनके अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उस मुखिया को और उसके आसपास के 3-4 लोगों को फायदा होता है, किसी समाज को एज ए होल न कभी फायदा हुआ है और न कभी होगा। रणनीति छोटे दलों के साथ जाने की काम आएगी, भाजपा को सबको काम आएगी, क्यों नहीं काम आएगी? छोटी छोटे सपा को, कोई भी दल देखे, छोटे राजनीतिक दलों के साथ जाने का मैंने आपको प्रभाव बताया ना कि वो छोटा दल या तो किसी जाति की कुछ सीटों पर प्रभाव रखता होगा या एक विशेष क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता होगा, तो वो 1-2-3 सीटें 4 सीटें बस, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं। तो गठबंधन का पर्पस यही होता है कि 3 ही सीट सही, 3 सीट अगर इनको मिला लेने से हमारे पास आ जाते हैं तो ये तीन सीटें हमारी हो जाएंगी, अगर ये किसी अन्य पार्टी के पास चले जाएंगे तो ये 3 सीटें उनकी हो जाएंगी। और सरकार में जो होता है उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, जिस पार्टी की भी सरकार होगी उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, मतलब सरकार में इतनी कुर्सियां हैं कि वो चाहे तो कितने लोगों को एडजस्ट कर दे, और अक्सर वो कुर्सियां इलेक्शन के लास्ट टाइम के लिए बचा के रखी जाती हैं, बचाई गई थी, इस बार भी यही हुआ, अभी भी वही हो रहा है, और ये ट्रेंड हमेशा चलता रहता है। इसीलिए देखिए आयोग हैं, कमीशन्स हैं, इनके चेयरमैन हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन वो बदलाव ज्यादातर इलेक्शन के आसपास ही होता है। लेकिन ये बात जनता नहीं समझेगी, देखिए जनता राजभर समाज के जो लोग हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में राजभर के कुछ जातियों का प्रभाव है, 8-10, 4-5 सीटें हैं जो राजभर समाज इन पर अपना वर्चस्व रखता है। राजभर साहब ने, ओम प्रकाश राजभर साहब ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने यही कह के खिलाफत करी थी कि ये भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज को सम्मान नहीं देती है, इसलिए हम अलग पार्टी बनाएंगे, हम अलग लड़ेंगे और हम यहां से इनको उखाड़ फेंकेंगे। आज वो जाकर के फिर भारतीय जनता पार्टी में मिल जा रहे हैं, तो ये किसको सोचने की जरूरत है, मुझे आपको या इन समाज के लोगों को, सोचना तो जिनको बरगला करके पहले उन्होंने अलग पार्टी बनाई और अब अपने फायदे के लिए फिर जाकर के, क्या उनकी पार्टी में जो 2-4 हजार 10 हजार आदमी होंगे क्या वो 2-4 10 हजार आदमियों को कहीं एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर, उनके सुपुत्र, उनके आसपास के 2-4 लोग, इनको फायदा हो जाएगा, इनको फंडिंग हो जाएगी, हमारी चर्चा भी उन्हीं जनता के लिए है कि कहीं उनकी पता चले कि इस समय चुनावों को लेकर क्या चल रहा है और कौन सी पार्टी कितनी हितकारी है उनके लिए, वो आकलन लगा सके। जी कीर्ति जी, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि सरकारों ने पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश की सरकारों ने SC ST आयोग बनाए, ओबीसी आयोग बनाए, माइनॉरिटी आयोग बनाए, लेकिन आज तक एजुकेशन का आयोग नहीं बनाया, शिक्षा का राष्ट्रीय आयोग नहीं बनाया, उसके लिए कोई ओम्बड्समैन नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? यही कारण है, क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा, उससे वोट कट जाएगा इनका। बिल्कुल विवेक जी, आपका नया गाना भी आ गया है, सुना ही होगा आपने कि काम होगा, यानी कि आप ये मान रहे हैं अभी पूरे तौर पर कि अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है और अब आप ही आएंगे सत्ता में तभी काम होगा, आप मानते हैं कि काम हुआ है? देखिए मेरा मानना ना मानना, मेरा पॉइंट आप छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए। मुझे लगता है कि काम अगर हुआ होता और काम अगर लोग स्वीकार कर रहे होते कि वास्तव में अगर हुआ है, तो इस गाने को पहली बात तो लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, काम अगर होता तो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, काम बोलता है, हमारा तो नारा ही था, और अगर काम बोलता तो इनको फिर से धर्म के ध्रुवीकरण करने की या दूसरे दलों के क्रियाकलापों पे विवेचना करने की, उस पर सवाल उठाने की क्या आवश्यकता थी? अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मुझे कन्विंस करने की क्या जरूरत है, मैं तो पहले से संतुष्ट हूँ ना। और रही बात जिस तरह से दिल्ली और लखनऊ में दौड़ भाग लगी हुई है,
क्या आपको कोई आधिकारिक घोषणा कल नड्डा जी देखे गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे या उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होने जा रहा है? नहीं, वो तो पहले ही हो नहीं चुकी है। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं आधिकारिक घोषणा कोई नहीं हुई है, ये आपस में कितना भी घोषणा करवा लें आधिकारिक घोषणा की बात कर रहा हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अगर हम जीत रहे हैं तो हम अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अविश्वास तो जता रहे हैं ना? नहीं अविश्वास क्या, मैं तो कह रहा हूँ आधिकारिक घोषणा पे ही तो मायने बनेंगे, आधिकारिक घोषणा तो नड्डा जी करके नहीं गए। केसी जैन जी, आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई है? ठीक है, एक मिनट पूछ लेते हैं। केसी जैन जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ही चेहरा बनने वाले, तो आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई? पार्टी है, ऊपर से घोषणा होगी तभी तो मानेंगे ना। क्या है कि जाति ध्रुवीकरण की नींव इस सरकार में उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन योगी जी ने अपने संकीर्ण मानसिकता से कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से शुद्ध करवाया था, और अब मौजूदा वर्तमान परिस्थिति में नवनिर्वाचित इनकी मेजा की ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने भी अपनी कुर्सी पे बैठने के पहले प्रयागराज में गंगा जल से कुर्सी को धुलवाया, क्योंकि उसके पहले उस कुर्सी पे दलित समाज की राजकुमारी जैसल जी बैठती थी। तो आप एक बात को समझिए, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं हमेशा दिलीप भैया की बात से समर्थन भी करता हूं और उनकी हर बात को मैं अडॉप्ट भी करने का प्रयास करता हूं और उसे सीखने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप एक बात समझिए कि जिस तरह से संकीर्ण विचारधारा के माध्यम से इनके अंदर ये कहने के लिए मंचों से बड़ी बड़ी बातें अगर कर देते तो मैं एक आधिकारिक आपको लेटर नहीं दिखाता आयोग का, वो आरक्षी 18 से परेशान है आज तक, उसको सोच लीजिए, हम 2021 में बैठे हैं, न्याय नहीं मिला है, उत्पीड़न अलग शुरू कर दिया गया। तो ऐसे में आपको दसों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे कानून व्यवस्था के नाम पे ये घोषणा कर देते हैं लेकिन सम्मान नहीं दे सकते ये, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है कीर्ति, इनकी मानसिकता अपने आप को स्वयं सिद्ध श्रेष्ठ संप्रभु के साथ आत्ममुग्धता से प्रेरित लोग हैं ये, जो सिंहासन पे बैठकर तपस्या करने का प्रयास एक आडंबर दिखाते हैं। इनके जो प्रवक्ता हैं शब्दों का आवरण लेकर के आते हैं अच्छे अच्छे, और उससे बस ये बताने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ स्वच्छंद पार्टी है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, वो तो बोल रहे हैं ना कि पांच सालों में माफिया राज खत्म किया है। कह रहा हूं पांच साल में माफिया राज अगर खत्म हुआ तो ये बताइए रीता बहुगुणा जी की का वो वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, उनकी पीड़ा क्यों बाहर आ रही है, क्यों आखिर उनके घर जलाने वाले को ही इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया? आप मुझे, मैं तो कह रहा हूँ तथ्यात्मक बात है ना, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये तो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, रीता बहुगुणा जी ने भी उस पे स्टेटमेंट दे दिया। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उन्होंने यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ये कार्रवाई कर रहे हैं, बाबा का कमजोर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन मजबूती से कहां पे, जहां पे उनको राजनीतिक हानि या चुनावों में राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के जहां पे उनको नुकसान होने की आशंका है, उनको ये इनका सीधा सीधा देखे, एक छोटी बात समझ लीजिए, अपराधियों की मानसिकता है भाजपा, अपराधियों के लिए सबसे बड़ा संरक्षण है भाजपा, अपराधियों के लिए सबसे बड़ा बोलते हैं ना वो क्या उसको कहते हैं कि एक संरक्षण गृह जो है वो भाजपा है, और अपराधियों की गंगा जल भी भाजपा है, इस गंगा जल में मिश्रित होने के बाद सबके पाप धुल जाते हैं कीर्ति, और एक बात समझने की आवश्यकता है, मैं तो कह रहा हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज कम से कम रीता बहुगुणा जी इतनी वरिष्ठ नेता है, इन्हीं की पार्टी में है, उन्हीं की बात को यह झुटला दे कि रीता बहुगुणा जी उस समय लगता है दूसरे मूड में बैठी थी, उनका मन किया कि एक वीडियो बना के मीम्स बना के वायरल कर दें, उन्होंने ऐसे कह दिया, और ऐसे दसों एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं, आप कर रहे हैं ठीक है, आप कार्रवाई करिए लेकिन अपराधियों पे करिए, कौन मना कर रहा है? विकास के मुद्दों पर भी नजर डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरह से जातीय राजनीति से हटकर विकास के मुद्दों को सामने लाने देर में केसी जैन जी सत्ता पक्ष के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, क्या उन्होंने विकास से जुड़ी किसी बात पे चर्चा करने की? मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खैर जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरह से जातीय राजनीति की पतवार पर सब सवार हो गए, तो इस वक्त जरूरत है जनता को सजग होने जाने की, जनता को जाग जाने की कि किस तरह से उन्हें किसे वोट देना है और किस पार्टी के साथ आगे चलकर उन्हें सत्ता में काबिज करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम डिबेट।